Hi, good morning, students. So we are going to this revise the chapter of foreign exchange rate. Okay, what is foreign exchange rate? Let us see. Foreign exchange का मतलब क्या होता है? Foreign exchange means foreign currency. Okay, any currency other than Indian currency. कोई भी currency छोड़ के बाकी सारी currencies हमारे लिए foreign currencies हैं. फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है. अब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज होती है हर कंट्री, पता है आपको. अब इंडिया यूएस के साथ ट्रेड करती है या कोई और उसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है यूएस के साथ, तो उस केस में इंडिया अगर अपने रुपी में पेमेंट करे तो यूएस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है. तो इसके लिए आपको अपने रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके ही पेमेंट करनी पड़ेगी. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कनाडा जाना है, कुछ ने यूएस जाना है. तो जिन्होंने कनाडा जाना है उनको कैनेडियन डॉलर की जरूरत है, जिनको यूएस जाना है उनको यूएस डॉलर की जरूरत है. तो अगर आप कल को कैनेडियन डॉलर खरीदने जाते हो तो आपको क्या एक रुपए का एक डॉलर मिल जाएगा? नहीं. आपको या अगर आप एक यूएस डॉलर खरीदते हो तो उसकी वैल्यू आज कितनी है? 74 रुपीस, लेट अस से, ठीक है. तो इसका मतलब ये रेट ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन टू करेंसीज. दिस इज द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी. इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स, it is the price of one currency defined in terms of another currency. Just like I told you, बेटे ये पेन आपका बहुत अच्छा है, मेरे लिए एक पेन ले आना, ठीक है. आप ले आए, फिर मैंने पूछा बेटे इसका क्या प्राइस है, तो अगर आपने वो पेन 74 रुपीज का लिया है तो आप यही बोलोगे ना, प्राइस ऑफ पेन इज रुपीज 74. नाउ टेक इट अनदर वे, मैंने आपको बोला बेटे मेरे लिए एक डॉलर ले आना. आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गए, आपने ब्रोकर को बोला एक डॉलर चाहिए, तो उसने कहा प्राइस ऑफ वन डॉलर इज 74 रुपीस. दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज इट डिटरमाइंड. देर आर थ्री सिस्टम्स, वन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, another floating or flexible exchange rate system, and third one is managed floating exchange rate system. Fixed exchange rate system, iske do variants hote the. One gold standard system of exchange, another Bretton Woods system of या एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. तो ये अभी इन यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था, हर करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फिक्स की जाती थी, ठीक है. यानी डॉलर, पाउंड, रुपी, सब लोग हम अपनी करेंसी को किस में वैल्यूएशन करते थे? गोल्ड की टर्म्स में. हर करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिफरेंट होगी. लेट अस से वो यूएस वाले कहते हैं वी आर एबल टू परचेज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड विद 1 डॉलर, और इंडियन कहते हैं कि हम 1 रुपी से 0.1 ग्राम गोल्ड ले सकते हैं, ठीक है. तो डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट क्या होगा? आप 1 ग्राम गोल्ड कितने रुपए से ले सकते हो? 10 रुपए से. 1 रुपए से कितना आता है बेटे? 0.1. तो 10 रुपए से कितना आएगा? 10 मतलब 1 ग्राम. परचेजिंग पैरिटी आ गई, है ना. यानी जो चीज आप 1 डॉलर की ले सकते हो, जितना गोल्ड आप 1 डॉलर का ले सकते हो, रुपीस में उतना गोल्ड 10 रुपए का लोग ले सकते हो. इसका मतलब 1 डॉलर की वैल्यू इज 10 रुपीज, विच इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड.
तो हमने तो ये फिक्स करना है ना. सो इन दिस वे एक्सचेंज रेट वॉज फिक्स्ड. दिस सिस्टम वॉज डिस्कार्डेड. देयर आफ्टर स्टार्टेड ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम एडजस्टेबल पेग भी कहते हैं. इसमें हर करेंसी की वैल्यू डॉलर में मेजर की जाती थी और फिर डॉलर के साथ उसको पेग किया जाता था. नाउ इट इज इन नो लॉन्गर यूज. नाउ व्हाट इज प्रेवलेंट इज अ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज. फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा है? इट इज दैट रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज फिक्स्ड, विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, नॉट बाय द गवर्नमेंट बट बाय मार्केट फोर्सेस. दैट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. क्लियर? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. व्हाई वुड वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज? डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है. हमारी करेंसी में लीगल, हमारी कंट्री में लीगल टेंडर क्या है बेटे? लीगल टेंडर मतलब हम लीगली किस चीज से खरीद सकते हैं? रुपीस. तो हमें डॉलर की डिमांड क्यों होगी बताओ? व्हाई वुड वी डिमांड डॉलर? बोलो. इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? आपको गुड्स इंपोर्ट करने हैं, खरीदना है यूएस से, तभी डॉलर चाहिए होंगे. एक्सपोर्ट से तो आएगी बेटे. सो व्हाई वुड यू नीड डॉलर फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? और अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, टूरिज्म, बाहर जाने घूमने फिरने के लिए या पढ़ने के लिए, ठीक है. और आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है, यूएस में जाके कंपनी खोलनी है, टाटा ने खोली हुई है, तो टाटा डॉलर लेके गई होगी, ठीक है. और बोलो. और मैंने सब करवाया हुआ है, ये अब ऐसे हो रहा है. पेपर भी दे चुके हो, टेस्ट भी दे चुके हो, फिर ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्यों. एनीवन दिस साइड? We need dollar for importing goods, for tourism purpose, for foreign investment, for giving gifts, grants, donations to other countries, for speculation purpose. Speculation का purpose क्या? Speculation motive का मतलब होता है कि आज आप dollar खरीद के रख लो, invest कर दो उसमें, और कल को ये महंगे होंगे तो बेच के profit earn कर लेना. तो उसके लिए भी dollar की demand की जाती है, ठीक है. सो और फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन. आपने यूएस से लोन लिया था, अब वो मैच्योर हो गया है, 10 साल पूरे हो गए, आपको लोन रीपे करना है. तो रुपीस में तो नहीं पर पे करोगे ना, उसने डॉलर में दिया था, डॉलर में ही मांगेगा. तो रीपे करने के लिए लोन को आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है. नाउ व्हाई डू वी, वेयर डू द सप्लाई ऑफ डॉलर कम्स फ्रॉम? इंडिया में सप्लाई किसकी होती है? रुपी की होती है. रुपी कौन छापता है? आरबीआई छापता है, ठीक है. तो फिर डॉलर कहाँ से आएंगे? क्या आरबीआई डॉलर छाप सकता है? तो फिर डॉलर की सप्लाई इंडिया में कहाँ से आएगी? फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेटे, तो सोच के क्यों नहीं बोलता? एक्सपोर्ट से आएगी. जब आप फॉरेन यूएस में अपने गुड्स बेचोगे तो वो आपको पेमेंट करेंगे, किसमें करेंगे? डॉलर्स में करेंगे. तो हमारी कंट्री में डॉलर्स की सप्लाई. और टूरिज्म, इंडिया में भी टूरिस्ट आते हैं या नहीं आते? तो क्या लाएंगे? डॉलर. किसमें परचेजिंग करेंगे? डॉलर. फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है कि नहीं आती? सेम पॉइंट है बेटे, ठीक है. सो फॉरनर्स इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो इंडिया में आएंगे तो अपनी फॉरेन करेंसी लेके आएंगे. और गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, रिमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड. आपके पापा, आपके ब्रदर, आपके कजन बाहर गए हुए हैं, चाचा जी बाहर गए हैं, वो आपको पैसे टाइम टू टाइम भेजते हैं, वो हो गए रिमिटेंसेस, ठीक है. सो दीज आर दी. और लोन
ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, लोन आपने दिया हुआ था वो रिकवर हो गया फॉरेन एक्सचेंज में. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. बेटे अगर डॉलर महंगा होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? कोई भी चीज है, ये पेन है, एक पेन 70 का था, ठीक है, तो आप कहते थे 100 पेन दे दो. अब ये पेन 75 का हो गया तो कितने पेन की डिमांड होगी? 90. ये कमोडिटी मार्केट है, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है. आपने प्लस वन में पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड, तभी फटाफट कह दिया आपने. ये बेटे लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ कमोडिटी मार्केट के ऊपर नहीं अप्लाई होता, इट अप्लाईज ऑन एनी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑल्सो. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या जहां पर डॉलर बेचे और खरीदे जाते हैं, जस्ट लाइक आलू एंड प्याज, तो यहाँ पर पेन या आलू प्याज की जगह मैंने लिख दिया डॉलर. एक डॉलर अगर 70 का है तो आप कितने डॉलर की डिमांड कर रहे हो? 100. अगर एक डॉलर 75 का हो गया, अब कितने डॉलर की डिमांड करोगे? 90. यानी देयर एग्जिस्ट्स नेगेटिव बिटवीन प्राइस ऑफ डॉलर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. क्लियर? सप्लाई की बात करें, एक पेन 70 रुपीज का है, यू आर रेडी टू सेल 180 पेन्स या 90 पेन्स. ये पेन का प्राइस हो गया 75 रुपीज. नाउ यू आर रेडी टू सेल हाउ मेनी पेन्स? 100. आप सेलर हो बेटे सम्यक, तो ज्यादा प्राइस में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो यू विल बी रेडी टू सेल 100 पेन्स. अब पेन की जगह मैं क्या वर्ड यूज करूं? एक डॉलर 70 का है तो कितने की सप्लाई हो रही है? 90 डॉलर आ रहे हैं आपकी कंट्री में. अब ये डॉलर अगर 75 का हो गया तो इसकी सप्लाई इंडिया में बढ़ जाएगी. कितने डॉलर्स आ जाएंगे इंडिया में? 100 डॉलर्स. यानी देयर एग्जिस्ट, ऐसा क्यों होता है ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अब रिवीजन के टाइम पे पॉसिबल नहीं है बताना, ठीक है ना. हाउ इज, इसका मतलब डॉलर का डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होगा और डॉलर का सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा. तो ये अगर डिमांड कर्व है हमारा, यहाँ हम लेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज, यहाँ प्राइस ऑफ डॉलर, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर. ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, ये रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन हो जाएगा. एंड यू नो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बिकॉज मार्केट फोर्सेस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. जैसे अभी अगर यूएस या कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट्स अलाउ कर देगा तो ज्यादा बच्चे यहाँ से जाएंगे, ज्यादा डॉलर की डिमांड होगी, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. ये नया डिमांड कब आ गया? किसी भी कमोडिटी की डिमांड सेम प्राइस पे बढ़ती है उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड. जैसे अभी एग्जाम सीजन आ जाएगा तो सब लोग पेन खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे, इसलिए नहीं खरीदोगे कि पेन सस्ता हुआ है, क्यों खरीदोगे? एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना. वैसे तो भी मुझे लगता है वो भी गुजारा कर लोगे पुराने पेन से, वही करना है, ठीक है. तो चलो, जब पेन की डिमांड बढ़ जाएगी तो पेन की प्राइस बढ़ जाती है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ने पे उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना बेटे. यहाँ पर डॉलर के साथ भी ऐसा होगा, ये डॉलर की डिमांड बढ़ गई, आप खुद देखोगे जैसे ही डायरेक्ट फ्लाइट्स जानी शुरू होंगी डॉलर का प्राइस बढ़ने लग जाएगा. तब आप बोलोगे अरे हमारे जाने की बारी आई तो डॉलर महंगा हो गया, आपने खुद महंगा किया है. डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, ये देखो. डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है. इसी तरह सप्लाई भी प्राइस को अफेक्ट करती है.
अच्छा, अब अगर डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है, यानी $1.70 का था, $1.75 का हो गया, इसको कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ कौन सी करेंसी बेटे? फॉरेन करेंसी। हमारे लिए एक करेंसी डोमेस्टिक है, बाकी सारी फॉरेन है। यहां पर कौन सी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है? डॉलर हमारे लिए क्या है? तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है यानी एप्रिसिएशन। रुपी का क्या हो रहा है? पहले एक रुपी कितने का था, अब एक रुपी कितने का हो गया? वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? कम हुई। इसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आपको एमसीक्यू आ सकता है, ये ही लिखा होगा, आपसे पूछा गया होगा, दिस इज एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इट इज एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, अब जब याद रखना है, एक रट्टा लगा लो माइंड में या कहीं पे लिख लो, एक चीज याद रखोगे ना, बाकी सब रिलेशन क्लियर हो जाएगा। जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है, जैसे रुपी यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है ना, ऐसी सिचुएशन में इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंडिया के इंपोर्ट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सोच के बोलना सबने। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे। मैंने इंपोर्ट पूछा ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ना हो भी, मैंने क्या पूछा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होंगे वो? कैसे एक्सपोर्ट कौन कर रहा है हमसे? हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए। यूएसए कर रहा है। पहले जब वो हमसे इंपोर्ट करता था तो $1 के बदले उसको 70 रुपीस के गुड्स मिलते थे। He was getting worth of, now he is getting worth of 75 रुपीस from same $1। उसके लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान है। अरे भाई क्या करते हो तुम, पहले तुम मुझे एक रुपए देते थे, $1 देते थे, मैं 70 पेन देती थी, अब मैं 75 दे रही हूँ, तुम खुश हो गए कि नाराज? फायदा है तो क्या करोगे? यूएस क्या करेगा अब? इंडिया से इंपोर्ट बढ़ा देगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा पक्का। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स, आपने उल्टा बोला था, अब समझ में आ गया? जब रुपी डेप्रिशिएट होगा तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे। वो कैसे? आपको इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए। पहले $1 के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ते थे? ये पॉकेट से निकल रहे हैं, अब कितने देने पड़ रहे हैं? ज्यादा। यानी आपके लिए इंपोर्ट करना महंगा हो गया, इंडिया के लिए इंपोर्ट करना। तो इंडिया क्या करेगी? इंपोर्ट ज्यादा करेगी कि कम? कम करेगी ना, जो चीज महंगी होगी वो कम करेगी ना, तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, क्या याद रखा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट। अब इससे रिलेटेड 8 क्वेश्चन बन जाते हैं, आपने एक ही रिलेशन याद रखना है, ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बना? एप्रिसिएशन, डॉलर की एप्रिसिएशन से इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा? ओए रब्बा बेटे, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में कोई फर्क है? तो जो इंपैक्ट इसका पड़ेगा वही इंपैक्ट इसका पड़ेगा,
सेम आंसर बट क्वेश्चन तो दो हो सकते हैं, दो क्वेश्चन हो सकते हैं या नहीं? दोनों का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हाउ विल इट अफेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट? एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट। चौथा क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, सेम। चार क्वेश्चंस का आंसर आ गया ना आपके पास, ठीक है। इसके आठ कैसे बनते हैं? आठ ऐसे बनते हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट का अलग पूछ ले, इंपोर्ट का अलग पूछ ले, मैंने इकट्ठा करा दिया ना, ठीक है। आपने एक रिलेशन याद रखना है, बाकी ये लिख लेना रफ में वहां पे, और कोई भी आ जाए आपने इसी रिलेशन से उसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब तीसरा हमारा है बेटे मैनेज्ड फ्लोटिंग, करवाऊं रब कर दूं ये मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस से ही फिक्स होता है, लेकिन जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, इट मे इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज रेट। कई बारी मार्केट फोर्सेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा एप्रिशिएट या बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है। सपोजिंग बैठे बैठे ओवरनाइट डॉलर हो गया 90 रुपए का, अब इतनी भी डेप्रिसिएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि नो डाउट डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, लेकिन इंपोर्ट तो महंगे हो रहे हैं ना, इंपोर्ट करना जरूरी है, पेट्रोल इंपोर्ट करना जरूरी है, तो हमारा इंपोर्ट बिल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, उस केस में आरबीआई इंटरवीन करेगा और फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। कैसे करेगा? अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा है, ये भी लिख लेना आपने, अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा है, कम करना है, तो उस केस में इट विल स्टार्ट सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट This will lead to increase in supply of foreign exchange in the market. और इससे foreign exchange कैसे affect होगा? ये एक diagram से आप देखेंगे, ये dollar का demand का, ये dollar का supply का, ये rate of exchange आया, यहां पर एक dollar 90 रुपए का है, हाहाकार मच गई है लोगों में, 90 रुपए का डॉलर कैसे लाएं, कैसे बच्चों को बाहर भेजें, ठीक है। कुछ करे गवर्नमेंट, तो आरबीआई आया, क्योंकि आरबीआई के पास थोड़ा सा हक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं वो इन्फ्लुएंस कर सकता रेट ऑफ एक्सचेंज में, एक्सट्रीम केसेस में आ सकता है। इसने क्या किया, इसके पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स पड़े हुए, इट इज अ कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, it will start selling its foreign exchange in the market. उससे क्या होगा, open market में इसकी supply बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई मतलब supply का right को आ गया। बेटे आपने कभी सुना अपने होशोआवास में अनियन के prices बहुत ज्यादा बढ़ गए, है ना, तो उसको control करने के लिए government क्या करती है, import करती है, प्याज import करती है, क्यों करती है ऐसा, इससे सप्लाई बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस, तो यहां पर देखो कैसे कम होते हैं, डायग्राम देखो बता रहा है खुद, ये डिमांड कर्व, ये हो गया नया सप्लाई कर्व, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ एक्सचेंज ये आ गया ओआर वन, दिस वाज 90, इट इज से 80, कंट्रोल हो गया। कैसे कंट्रोल हुआ, इसने फॉरेन एक्सचेंज को या सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, क्लियर। एंड वाइस वर्सा,
अगर रेट ऑफ एक्सचेंज 60 चला गया, अब उसके हमारे एक्सपोर्ट सफर करेंगे, तो क्या करना है, बाय कर लेगा, सप्लाई को कम कर देगा, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाए। ठीक है, तो ये दो टेक्निकलिटीज हैं बेटे जो कि आपको याद रखनी है यहाँ पे। इससे आपके एवरी क्वेश्चन, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, राइट। दिस इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। सो अभी आपको ये पता चला कि जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है वो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए बढ़िया है, बढ़िया है ना? अभी भी नहीं, कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आया? यस, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर कम होती है, इट बूस्ट अवर एक्सपोर्ट्स। तो जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें एक रिफॉर्म था ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में एक पॉलिसी स्ट्रेटजी थी डीवैल्यूएशन, याद है? हमने अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी थी, जिसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। क्यों कम की थी? ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। वी वर गोइंग थ्रू बीओपी क्राइसिस, हमारे इनफ्लो बहुत कम था, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम किया। जब गवर्नमेंट इंटेंशनली करती है उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं, जब मार्केट फोर्सेस के थ्रू वैल्यू पे कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। गॉट इट? लेकिन दोनों का इम्पैक्ट सेम है, मतलब तो सेम है ना, वैल्यू कम हुई चाहे खुद से करी चाहे मार्केट फोर्सेस से हुई, समझ में आया? वैल्यू तो कम हो गई ना, तो वो वैल्यू कम होने का असर क्या है, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंपोर्ट्स कम होते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इनकरेजेस एक्सपोर्ट्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। सो मैनेज फ्लोटिंग का एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग इसको हम तब कहते हैं जब गवर्नमेंट विदाउट केयरिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट करती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देती है, उसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है बच्चे,